नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ हम सबके प्यारे हिमाचल प्रदेश से। और मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की बेहद डरावनी कहानियों की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर आप लोग भी इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ एक कहानी सुनाता हूँ। ये जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हिसाल जी का है। किस्सा उनके बचपन में हुआ था। उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 7 या 8 साल की रही होगी। तो जो उनके फादर थे वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रहती थी, जिस वजह से वो शहर गाँव बदलते रहते थे। तो यही हिमाचल में एक गाँव है जिसका नाम रिवील करने से उन्होंने मना किया है। अभी तो शायद वहाँ पे रास्ता बन चुका होगा, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो था लेकिन पक्का रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था जो कि जंगलों से होता हुआ जाता था। ये बात लगभग 1995 या 96 की होगी। उस वक्त क्या था कि वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रैक था, 19-20 किलोमीटर का था। तो वहाँ पे उनको पैदल ही जाना पड़ता था, उसके बाद वो गाँव आता था। तो जब विशाल की फैमिली ने उस ट्रैक को चढ़ना स्टार्ट किया तो विशाल की मम्मी ने उसके पापा से कहा कि उन्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है और उन्हें कुछ झटके से महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई धक्के मार रहा हो। पहले तो विशाल के पापा ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। तो वो लगातार चलते रहे, उसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। अभी उसकी मम्मी को एक झटका ऐसा लगा कि वो नीचे गिर गए। उसके पापा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो गिरे हुए थे। तो उन्होंने उन्हें उठाया और पूछा कि तुझे क्या हुआ। तो उसकी मम्मी ने डरते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कि किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया हो। और उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके पापा ने कहा कि तू ऐसा कर, तू मेरे आगे चल और मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया। और वो जो रास्ता था वो पगडंडियों के जैसा था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, और उसके नीचे ब्यास नदी बहती थी। उसके बाद उन्हें एक आवाज़ भी आने शुरू हो गई थी छन छन की। तो उसकी मम्मी समझ गई थी कि ये कोई चुड़ैल ही है। तो विशाल की मम्मी ने विशाल के पापा को कहा कि ये आवाज़ आपको भी आ रही है। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये सिर्फ तेरे मन का वहम है। तो विशाल के पापा ने कहा कि तू आगे चल और मैं पीछे चलता हूँ। तो विशाल की मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि विशाल की मम्मी जानती थी कि जो फीमेल एंटिटीज़ होती हैं वो मर्दों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से वो उन पर हावी हो सकती थी। तो इस वजह से विशाल की मम्मी ने उन्हें पीछे चलने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि आप ऐसा करो कि बीड़ी या सिगरेट कुछ भी जला लो, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं आग के पास बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो वो चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घराट मिलता है, जिससे पहले कनक को पीसा जाता था। वो बहते हुए पानी से चलती थी और ऊपर आटा चक्की घूमती थी। अब तो वो चीज़ें काफ़ी रेयर हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। उन्होंने जैसे ही उस घराट को पार किया तो वो आवाज़ लगातार आने लग गई थी, और अब तो विशाल के पापा को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो झटके उसकी मम्मी को लगातार लग रहे थे। लेकिन वो डरे नहीं, वो चलते रहे। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। विशाल के पापा के कोई जानने वाले ही थे, तो उन्होंने उन्हें आवाज़ लगाई और वो घर से बाहर निकले। तो उन्होंने उन्हें आगे जाने से मना कर दिया और कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है, तुम यहाँ हमारे घर में आ जाओ। तो विशाल के पापा और मम्मी ने आगे जाना ठीक नहीं समझा और वो भी उनके घर में चले गए। उसके बाद विशाल की मम्मी ने वो किस्सा उनके साथ शेयर किया, तो जो उन लोगों ने उनको बताया उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ एक लेडीज़ की डेथ हुई है,
और वो प्रेग्नेंट थी। और जब वो बच्चा पैदा कर रही थी तो उसकी डेथ हो गई, जिस वजह से वो रोज़ रात को यहाँ से घूमती रहती है और चिल्लाती हुई अपने घर तक जाती है। और कई लोगों ने उसे साक्षात रूप में देखा है, जिस वजह से पूरे गांव में इस बात का काफ़ी खौफ हो गया है। ये तो हमने आप लोगों को देख लिया, तो हमने आपको अपने घर में बुला लिया क्योंकि आगे जाना ठीक नहीं था, और आपके साथ भी एक बच्चा था और हो सकता था वो आप लोगों को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती थी। तो विशाल की फैमिली पूरी रात वहां रुकी रही और अगली सुबह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई। हमारे हिंदू धर्म में जैसे भूत प्रेत आत्मा पिशाच होते हैं, वैसे ही अदर कंट्रीज में वेंडिगो, लाल अरोना, चुपाकावरा और बिग फूट जैसी एंटिटीज होती हैं, और उन्हीं में से एक है द अर्बन लेजेंड वेंडिगो। ये एक ऐसा डीमन है जो कि भूख, लालच, लस्ट और बदले की आग से बनता है। इसकी बॉडी जो है वो आधी इंसान की होती है और आधी जानवर की, जो कि सिर्फ हड्डियों का कंकाल होता है और मांस के लोथड़े चिपके हुए होते हैं। मैं हूँ राहुल और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, और मैं आज फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक जबरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये जो आज की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये डेविड की है, जो कि अमेरिका के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। और ये बात उनके साथ तब हुई थी जब वे कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक बार उसके दोस्त का बर्थडे होता है तो डेविड उसके घर के लिए जाता है। उसने उसे रात के लिए इनवाइट किया होता है, जो उसके दोस्त का घर होता है जिसका नाम जिमी है। वो डेविड की विलेज से काफ़ी दूर होता है, तकरीबन एक घंटा मान के चलिए। तो डेविड शाम के 6 बजे अपने घर से अपने दोस्त के घर के लिए निकलता है, तो वो 7-7:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाता है। तो जो जिमी की फैमिली होती है वो काफ़ी अजीब होती है, और जो उनका घर था वो भी काफ़ी सुनसान जगह पर था, एकदम अकेला। और उनके घर के पास ही एक छोटी सी लेक थी जिसमें बहुत सारे मेंढक थे जो कि काफ़ी शोर मचा रहे थे और रात को काफ़ी डरावना सा लग रहा था। तो उन्होंने केक कट किया और डिनर करने लगे। तो डेविड ने उसकी दादी से पूछा कि आप लोगों को रात को कैसे नींद आती है, इतने सारे मेंढक इतना शोर मचाते हैं, आप लोग कैसे सो सकते हैं। तो वो सब एकदम से शांत हो गए। तभी जिमी की दादी ने कहा, बेटा इनका शोर हमारे लिए वरदान है, अगर ये ना हो तो वो आ जाएगा। डेविड ने पूछा, वो कौन? तो उसकी दादी ने बताया कि वो मनहूस वेंडिगो आज भी इन जंगलों में रहता है। तो डेविड हंसने लगा और उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, ये बस लोक कथाएं हैं और कुछ नहीं। तो उसकी दादी ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ एक मछुआरे का परिवार रहा करता था, और ना जाने उनके परिवार को किसकी नज़र लगी, वो परिवार एकदम से ख़त्म हो गया। वो जो मछुआरा था वो अपने बीवी बच्चों को घर से निकलने नहीं देता था, और उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। ये सब 10-12 दिन तक चलता रहा, और कुछ दिनों के बाद सब कुछ बंद हो गया। जब कुछ लोगों ने नोटिस किया कि अब वो मछुआरा भी अपने घर से नहीं निकल रहा है, तो उन्हें शक हुआ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तो वो उनको देखने के लिए उनके घर में गए, तो उनका दरवाज़ा जो था वो एकदम बंद था, लेकिन वो बाहर से बंद नहीं था, वो अंदर से बंद था। तो उन लोगों ने मछुआरे के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर चले गए। जब उन्होंने अंदर देखा तो अंदर दिल दहला देने वाला मंजर था, जो कि बेहद घिनौना था। उसकी बीवी बच्चों की लाशें कटी फटी हालत में
वहीं टंगी हुई थी और जस्ट उसके नीचे फ्लोर पे कुछ रिचुअल्स किए हुए थे, कुछ यंत्र बनाए हुए थे। शायद वो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था और शैतान को इन्वोक कर रहा था। और उसकी बीवी बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बड़े से जानवर ने अपने पंजों से फाड़ दिया हो और उन्हें नोच नोच के खाया हो। तभी उन लोगों को गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। जब उन गांव वालों ने उस आवाज की तरफ जाने का सोचा, तभी उन पर किसी ने अटैक किया और वो कोई और नहीं बल्कि वही मछुआरा था जो कि पूरी तरह बदल चुका था। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था और उसके हाथों के नाखून भी काफी लंबे हो चुके थे और उसका पूरा शरीर भी सूख चुका था, मानो किसी हड्डी का ढांचा हो। वो किसी शैतान से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में था, शायद उसे किसी ने पोजेस किया था। जब तक लोग पुलिस को बुलाते, वो वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया था। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो जानवरों की तरह चल रहा था, चार पैरों पर। ये जो बेंडिगोज होते हैं, ये अपने शिकार को पूरी तरह से पोजेस कर लेते हैं, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आते हैं और उनसे वो सब करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं, और फिर उन्हें भी वो अपनी तरह बना लेता है। उसके बाद जंगल में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, लेकिन उसका कभी भी कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों ने भी काफी दिनों तक उसकी खोज की, लेकिन उन्हें उसका एक भी सुराग नहीं मिला। आखिर क्यों उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था? ये सुन के तो डेविड के होश ही उड़ गए। तभी जिमी की दादी ने उस लेक के बारे में बताया। तो उसकी दादी ने बताया कि थोड़े साल पहले ही यहाँ एक परिवार रहा करता था जो कि इन मेंढकों से काफी ज्यादा परेशान था। वो इसकी शोर से काफी ज्यादा परेशान थे तो उन्होंने इनको निकालना चाहा। तो एक दिन उन लोगों ने इन मेंढकों को निकाल दिया और जैसे ही अगली सुबह हुई, उनके घर से उन लोगों की लाशें मिली और वो भी उसी तरह से कटी फटी हुई थी जैसे उस मछुआरे की फैमिली की थी। तभी से इस लेक से कभी भी कोई भी इन मेंढकों को नहीं निकालता, क्योंकि जब तक ये शोर मचाते रहते हैं तब तक इनकी आवाज़ से वो वेंडिगो यहाँ तक नहीं आता और हम सुरक्षित रहते हैं। हमें इनकी आवाज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के डेविड काफ़ी डर जाता है। तभी जिमी कहता है कि चल भाई हम सो जाते हैं। तो वो जिमी के साथ उसके रूम में चला जाता है। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था और सामने वही लेक दिखती थी। तो रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उस लेक को खिड़की से देख रहा था। तभी दूर जंगल में उसे एक जानवर दिखाई दिया जो कि बहुत भयानक था। उसके बड़े बड़े सींग थे और वो दो पैरों पर खड़ा हुआ था और वो काफी डरावना था। ये देख के डेविड काफी डर जाता है और वो चुपचाप से सो जाता है। अगर आप लोगों को इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। हर हर महादेव।